हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम एकता मिश्रा फ्रॉम लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी फर्स्ट टुडे। सो हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में आपने हिंदी सेकंड के दो चैप्टर पढ़ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप उसको घर पे अच्छे से पढ़ते होंगे और लिखते भी होंगे अपने कॉपी में और याद भी करिएगा। तो आज मैं आपके लिए नया लेसन और नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ। हिंदी फर्स्ट क्लास टू, हिंदी फर्स्ट लेसन वन, बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में आप पिछले कक्षाओं में, आप अभी इसी साल क्लास सेकेंड में होंगे, तो पिछले कक्षाओं में यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा होगा व्याकरण के बारे में। हिंदी फर्स्ट यानी कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन कुछ है, जिसको आज मैं देखती हूँ कि किसकी बुद्धि कितनी तीव्र है और कितने अच्छे से है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझाएंगे। तो आप ध्यान से इसे देखिए। फर्स्ट आपका ये चैप्टर है, मैं आपको इस बुक के बारे में बता देती हूँ। देख लीजिए, ये आपकी बुक है, सहज हिंदी रचना टू, ये आपकी बुक है। बुद्धि लब्धि इसमें कार्य पत्रक है, बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ये सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ण। वर्ण के बारे में सब लोग जानते हैं, स्टार्ट ही हिंदी वर्ण से होता है। हिंदी वर्णमाला अ, आ, स्वर और व्यंजनों से बनता है, तो वर्ण को डैश भी कहते हैं। तो हिंदी की भाषा में वर्ण को, वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। लेकिन जब हमें लिखना होगा, जब मुझे बताना होगा किसी कॉपी पे कि ये क्या है, तो उसको हम किसके चिन्ह, मतलब एक साइन होता है किससे बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है, तो क को क वर्ण ना बोल के हम क्या बोलते हैं, वर्ण को दूसरी भाषा में अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। ये वर्ण का दूसरा नाम है, जैसे क ख ग ग अंग ट थ ज ज आ, ये सब है स्वर और व्यंजन, ये है और ये क ख ग ग व्यंजन है और स्वर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्यंजन वर्ण को डैश दर्शाने के लिए उसमें हलंत लगाया जाता है। जो व्यंजन है, जहाँ सब लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से बनता है, तो स्वर अ आ ई ऊ ऐसे ये ऊ ये है और व्यंजन क ख ग घ ङ ड ड ड, तो ये आपका व्यंजन वर्ण को डैश दर्शाने के लिए उसमें हलंत लगाया जाता है। बच्चों आप ध्यान से ये पहले आप देखे होंगे, छोटी कक्षाओं में एलकेजी यूकेजी में आपने पढ़ा होगा, कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता। आप व्यंजन को, अगर व्यंजन वर्ण को देखेंगे तो व्यंजन वर्ण ऐसे होता है, ये आपका व्यंजन वर्ण होता है। और व्यंजन वर्णों में जब वर्ण में हम अ यानी कि स्वर की सहायता से ये पूर्ण होता है और तब ये बनता है क। तो व्यंजन वर्ण जो होता है वर्णमाला का, वो हमेशा हलंत लगा हुआ है, इसमें हलंत लगा होता है, इसमें नीचे जो होता है उसको हलंत कहते हैं। तो इसको किसकी सहायता से पूर्ण किया जाता है? स्वरों की सहायता। और स्वर को हम मात्राओं के रूप में अपने कॉपी में, अपना मतलब व्याकरण में हम मात्रा के रूप में इसे पढ़ते हैं। तो क प्लस अ इक्वल टू क, तो ये हमारा व्यंजन पूर्ण हो गया, यहाँ पे ये पूर्ण हो गया। तो इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन नंबर टू दिया है, व्यंजन वर्ण को डैश दर्शाने के लिए उसमें हलंत लगाया जाता है। तो क्या दर्शाने के लिए? आधा, कभी भी वो पूरा नहीं होता है और उसको आधा
पचाने के लिए हलंत लगाएगा। किसी भी व्यंजन में जब हलंत लगाएंगे तो या तो आप उसको आधा लिखिए और नहीं तो नीचे हलंत लगा दीजिए तो वो आधा हो जाए। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक माह में 10 सप्ताह होते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं सबसे छोटा क्या होता है, दिन, उसके बाद सप्ताह, उसके बाद पक्ष, उसके बाद महीना। तो सबसे छोटा दिन है और बड़ा क्या है, महीना। तो मैं एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो हमारे सारे बच्चे ये जानते हैं 30 एंड 31। तो मान लीजिए कि मैंने 30 किया, ये 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। कितने दिन होते हैं, 7। तो दिया है एक माह में कितने सप्ताह होते हैं। तो आपके मैथ पढ़ा ही होगा, अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक माह में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप क्या कर देंगे, 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 28 आता है, 2 स्पेस बच जाता है, यानी कि फोर टाइम में ये आ जाएगा 28 करके डिवाइड करेंगे तो आपका, मैं अभी आपको मैथ तो नहीं पढ़ा सकती यहाँ पे, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 7 को 4 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 2 स्पेस बच जाएगा, यानी कि 4 सप्ताह होते हैं। तो एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह। प्यारे बच्चों, एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, एक महीने में 30-31 दिन होते हैं, फरवरी में 28-29, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। और पक्ष क्या होता है, हर एक पक्ष 15 दिन का होता है। उसके बाद एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद आप आइए, मैं बात करने वाला अपने लिए डैश शब्द का प्रयोग करता है। कोई भी इंसान जब बात करता है तो अपने आप को हमेशा तो नहीं बोलेगा कि मैं एकता मिश्रा, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो मैं मतलब किसको, कैसे अपने आप को संबोधित करता है, तो अपने आप को कभी भी वो संबोधन में मैं लगाता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कैसे बात कर रही हूँ, मैं लगा, तो मैं। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, बात करने वाला अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। ये आपकी बुद्धि IQ टेस्ट है। यहाँ पे सबको ये आप पिछले कक्षाओं में अभी आपको याद हो गया होगा कि आप पिछले कक्षाओं में ये पढ़े होंगे वर्ड। आपको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उस क्वेश्चन को, वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। व्यंजन वर्ड को आधा दर्शाने के लिए उसमें हलंत लगाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह। बात करने वाला, क्वेश्चन नंबर 4, बात करने वाला अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ, इसी क्वेश्चन से लिया गया है। इसी तरह प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ और पिछली कक्षाओं की स्मृतियों को पुनः उनको याद दिलाना चाहती हूँ आपको। ये आपने नोट कर लिया, डन। मात्रा क्या है, ये पहले अ आ ई, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं
अभी क्लास टू में जा रहे हैं, तो पहले आप क्लास फर्स्ट में क्या पढ़े हैं उसके बारे में याद दिलाया जा रहा है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपका दिया है कि उचित शब्द, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। उचित मात्रा लगाना है और शब्द पूरे करना है। क्वेश्चन नंबर टू का ये वन है, आपका दिया हुआ है कॉपी में, मात्रा लगाना है। यहाँ पे मात्रा लगाओ। क्वेश्चन में पहले में दिया हुआ है, पहला है पौना। क्योंकि आपके यहाँ डैश दिया हुआ है और आप देख सकते हैं बुक में चित्र की सहायता से मात्रा लगाना है। चित्र में देखना है कि ये क्या है और इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये एक सार्थक शब्द बन जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ चूंकि ये देखने में एक नुकीला चीज है, जो यहाँ देखिए ये नुकीली कोई वस्तु है जिसपे, जिसको हम लिखे हैं यहाँ पे पाना। तो नुकीला क्या है, पिन। तो सबसे पहले मात्रा है यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। प में जब हम छोटी ई यानी कि लघु मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिन। तो ये एक सार्थक शब्द बन गया, पिन। इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर टू में देखिए दिया हुआ है एक फल है, आपके इस कॉपी में दिया हुआ है ई मल। ईमल कोई शब्द नहीं होता और इसको बुक में चित्र में दिया हुआ है एक प्रकार का फल जो सबको ये पसंद भी आता है। तो ये फल को हम जानते हैं, इसे हम इमली कहते हैं। तो ईमल में हम क्या लगाएंगे, तो ये इमली बन जाएगा दीर्घ मात्रा, जिसको हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, जो शब्द में ऐसे अक्षर में पीछे से लगता है। फिर इसके बाद आप आइए बुक में, आपके दिया हुआ है, क्योंकि आप बुक नहीं देख रहे हैं इसलिए मैं आपको बुक में दिए हुए चित्र का वर्णन कर रही हूँ। यहाँ बुक में दिया हुआ है एक नदी, नदी है, उस नदी के ऊपर कुछ बना हुआ है, बहुत लकड़ियों से जो आने जाने का रास्ता होता है, तो बच्चों से हम क्या कहते हैं, पुल। तो ठीक है, आपके कॉपी में बुक में दिया हुआ है प ल, प ल। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कौन सी मात्रा लगाएंगे तो ये पुल हो जाएगा, तो इसमें हम छोटा उ की मात्रा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में आ जाइए, एक प्रकार का पक्षी है ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये बुक में लिखा हुआ है क ब त र। तो इसमें हम क्या लगाएंगे कि एक सार्थक शब्द बन जाएगा, कौन सी मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे हम बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कबूतर। फिर देखिए हम अपने घरों में या कहीं भी किस पे रख के पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक में चित्र दिया हुआ है और मैं चित्र को आपके सामने वर्णन कर रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो इस बुक को किस पे रखें या कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो वहाँ टेबल, मेज जिसको बोलते हैं, डेस्क ये सब बोलते हैं, तो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है म ज। म और ज में क्या मात्रा लगाएंगे कि ये मेज बन जाएगा, तो सब प्यारे बच्चों सबको मालूम है यहाँ पे एक ही मात्रा म पे लगाएंगे तो ये मेज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ देखिए प प र, प और र में कौन सी मात्रा लगाएंगे तो पैर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए की मात्रा, ए की मात्रा। ये आपका बुद्धि परीक्षण है, क्योंकि आपकी क्लासेस चलते तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाता, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। प्यारे बच्चों आप घर पे ही बैठ के इनके आंसर दे सकते हैं, म
और र, मा और र में ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम क्या बनाएंगे, ये भी एक पक्षी का नाम है जिसको हम ओ की मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बना देंगे और इसका अर्थ है मोर, ये एक पक्षी का नाम है। क्वेश्चन नंबर एट हो गया नमः, क्वेश्चन नंबर एट है नमः और इसमें आहा, नमस्ते नमः, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बुद्धि आईक्यू टेस्ट का, ये सारे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। पा ना पा पिन, छोटी की मात्रा पिन, ई मा ली बड़ी की मात्रा, फुल छोटा ऊ की मात्रा, कबूतर बड़ा ऊ की मात्रा, मेघ ए की मात्रा, पैर ए की मात्रा, मोर ओ की मात्रा और आह नमः, तो ये आह। तो प्यारे बच्चों ये आपके आईक्यू टेस्ट बुद्धि परीक्षण से एक्सरसाइज कुछ लिए गए हैं जिनको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी तरह चित्रों को देखकर शब्द को पूरा करना है, शब्द को पूरा करना है। आप देख सकते हैं, अगर आपको ये बुक में देख सकते हैं तो यहाँ पे पानी में तैरती है जिसमें जिसका चित्र देखकर शब्द पूरा करना है, वही जो पानी में तैरती है पानी के बिना नहीं रह सकती, तो मत्स्य दिया हुआ है, इसके आगे क्या लगाएंगे तो ये पूरा एक शब्द बन जाएगा। तो माँ आपके कॉपी में ये दिया हुआ है इतना, और इसमें हम लगाएंगे ली मछली, तो इतना हम आगे लगा देंगे तो ये सार्थक शब्द बन जाएगा। उसी तरह ये लड़के का अपोजिट विलोम क्या है, लड़की, तो लड़की में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वन ये है ये टू, तो ल ला और इसके आगे क्या लगाएंगे की, लड़की, यहाँ पे लड़की हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री तितली, ती तली तितली, ये ला ला पे बड़ी की मात्रा। फिर आपके बुक में दिया हुआ है स ए रा, से, तो यहाँ ए की मात्रा। क्वेश्चन नंबर फाइव रे ला रे, सिक्स से बा से, सेवन घोड़ा, ये घोड़ा हो गया, यहाँ पे डैश किया हुआ है। फिर ये एट नंबर है, सेवन नंबर हो गया, ये एट नंबर, ठीक है, सोलह। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। और मछली लड़की जहाँ पे डैश किया हुआ है वो आपके बुक में नहीं दिया है, वो हम लगाएंगे और लगा के इसको शब्द सार्थक शब्द बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ देखिए मछली लड़की तितली सेब रेल सेब घोड़ा एंड ढोला। नेक्स्ट कि बच्चों इसको प्लेन नहीं करना है, इसमें सब एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, इसको मैं बताती हूँ। सही शब्द से खाली स्थान भरो,
जो सही शब्द दिया हुआ है, सही शब्द लगा के और खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे खाली स्थान भरो। पहला क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपका है, एक महीने में डैश पक्ष होते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक महीने में डैश पक्ष होते हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ है 4 और 2, क्योंकि आपको बताया गया है महीनों में कितने दिन होते हैं, 30, 31 या फरवरी में 28, 29। उसके बाद हम 30 मान के चलते हैं, ये 30 का हम एग्जांपल देते हैं, और उसी तरह 30 दिन होते हैं, उसी महीने में सप्ताह कितने होते हैं, 4, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। महीने में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं। सब लोग जानते हैं कि जब चांद वाली रात होती है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जिस जब चांद ढलना शुरू करता है और एकदम छुप जाता है, वहां से जब से ढलना खत्म होना शुरू होता है तब से वो कृष्ण पक्ष में आ जाता है। तो ये अंधेरी, जो अंधेरी रात होती है वो कृष्ण पक्ष है, और जो उजाली वाली रात होती है वो शुक्ल पक्ष है। तो महीने में 15 दिन का शुक्ल पक्ष आता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष आता है, तो कितने हो गए पक्ष, 2। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू आपके बुक में दिया है, एक पक्ष में डैश सप्ताह होते हैं। आपको महीनों के बारे में जानकारी बस होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन है, एक पक्ष में डैश सप्ताह होते हैं। सप्ताह होते हैं। बच्चों यहां दिया हुआ है कि एक पक्ष में डैश सप्ताह होते हैं। सप्ताह 7 दिन और पक्ष कितने दिन का होता है, 15 दिन। तो 15, 7 days और 7 days, 14 days। तो सप्ताह कितने हो गए, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 और 7, 7 और 7, 14। और पक्ष में कितने दिन होते हैं, 15, यानी कि कितने हो गए, 2, यानी कि यहाँ पे आपके हो गए 2 सप्ताह होते हैं। फिर आपका ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, 2 या 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है, सूर्य डैश दिशा में उगता है। सबको पता है सुबह सुबह अगर आप उठेंगे तो देखेंगे सूर्य डैश, यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, आपसे दिया हुआ है वो लिखिएगा, और डैश भी दिया हुआ है, दिशा में उगता, आपके बुक में उसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में दिया है, पूरब और पश्चिम। सबको पता है सूर्य किधर से निकलता है, पूरब, और सारे आकाश लाल हो जाता है जब सूरज निकलता है,
तो पूरब दिशा से उगता है। क्वेश्चन नंबर फोर, आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, हलंत का चिन्ह व्यंजन में डैश लगाया जाता है। हलंत का चिन्ह, हलंत का चिन्ह हलंत का चिन्ह में व्यंजन में डैश लगाया जाता, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है, मैंने भी पहले भी आपको पढ़ाया है और इस क्वेश्चन में भी दे चुका है। आप देखिए हलंत यहाँ चिन्ह ह को आधा दर्शाया गया, चिन्ह पढ़ते हैं चिन्ह, तो ह को आधा दर्शाने के लिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं हलंत, जो ये साइन है। तो सब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हलंत का चिन्ह व्यंजन में कहाँ दर्शाया जाता है, ऊपर या नीचे, तो ये हलंत का चिन्ह है, इसे हम कहाँ दर्शाए हैं, कहाँ इसको लिखे, नीचे लिखे हैं, व्यंजन में हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये हो जाएगा आपका नीचे। क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में दो सप्ताह होते हैं, सूर्य पूरब दिशा में उगता है, हलंत का चिन्ह व्यंजन में नीचे लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन डिपेंड है आपके पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए, उसे जो आप पिछली कक्षाओं में ज्ञान प्राप्त किए हैं हिंदी का, उससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपका आईक्यू टेस्ट, जो आपकी बुद्धि का परीक्षण कर रहा है कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए क्लास टू में इससे पढ़ सकते हैं, और वो आपको रिपीट करता है। कभी भी पीछे का आपको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए ये सारा पूरे वर्ल्ड को, पूरे व्याकरण को एक पास सब कुछ करके और आपके बुद्धि का परीक्षण किया जाए। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे सही, और कई तरह के यहाँ पे हम स्वर व्यंजन मात्रा सबके बारे में पढ़ाए हैं। उसी के बाद नेक्स्ट आपका है सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर उनको लिखो। नेक्स्ट आपको मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसमें आपको विशेषण, विशेषण के बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको विशेषण के बारे में, कक्षा वन में आपने पढ़ा है विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, क्योंकि आप छोटे क्लास में है इसलिए छोटा परिभाषा दिया गया है कि किसी भी वस्तु की या उसमें हम विशेषता जो बताते हैं उसे हम विशेषण करते हैं। आप याद किए होंगे, आपके कॉपी में भी लिखवाया गया है सही। यहीं पे टमाटर पहला क्वेश्चन है, डैश मटर, तो विशेषता टमाटर की विशेषता क्या है, लाल हरा, तो कौन सा टमाटर, हरा भी होता है लाल भी होता है, तो यहाँ चित्र में ये कौन सा टमाटर कैसा दिख रहा है, लाल है, तो इस टमाटर की विशेषता क्या है, लाल, तो लाल टमाटर, चित्र को देखकर उसकी विशेषता बताना है, यही आपका क्वेश्चन नंबर टू फाइव है। क्वेश्चन नंबर टू में आइए, सिक्स साइज में आई, यहाँ पे दिया हुआ है डैश डैश आइसक्रीम गरम ठंडी, तो बच्चों सबको पता है कि आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी,
ठंडी, अगर आइसक्रीम गर्म हो जाएगी तो वो पिघल जाएगी, खाते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए यहाँ पे डैश डैश कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की विशेषता क्या है? यहाँ पे विशेषण से ही प्रश्न है, ये विशेषण वाले प्रश्न है। तो टमाटर की विशेषता लाल, आइसक्रीम की विशेषता आइसक्रीम हमेशा ठंडी होती है, ये उसकी विशेषता है यानी कि विशेषण। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की विशेषता क्या है? ऊंचा, ऊंची। तो ये आपके प्रश्न में आंसर आप लिखेंगे ऊंची, कुतुब मीनार ऊंची, ठीक है। तो ये आपका इस वीडियो में मैंने आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ाई हुई सारे पुनः फिर से उसको याद दिलाया, माह, पक्ष, टमाटर, विशेषता सब कुछ पढ़ाया। इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके बच्चों, घर पे ही रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।